हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट टीसीएस अनाउंस्ड द ज्वाइनिंग फॉर द फ्रेशर्स बैच, दैट इज फॉर 2024 बैच, एंड टीसीएस अनाउंस्ड द ज्वाइनिंग फॉर निंजा डिजिटल एंड प्राइम। सो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट विद अस, नवनीत। नवनीत ऑलरेडी क्रैक्ड द टीसीएस निंजा अपॉर्चुनिटी। ही ज्वाइन टीसीएस कंपनी ऑन 1st अगस्त 2024 एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू शेयर हिज कंप्लीट एक्सपीरियंस दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट डे ऑफ टीसीएस ज्वाइनिंग एज वेल एज द कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस। सो नवनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। यू आर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज वेल एज योर लाइक ज्वाइनिंग प्रोसेस एक्सपीरियंस, सो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी वन। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो लोकेश भैया, माय नेम इज नवनीत आनंद एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिया बिहार। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी व्हिच इज लोकेटेड इन खिदिरपुर कोलकाता। आई हैव गॉट द ज्वाइनिंग लेटर ऑन 23rd of July एंड माय ज्वाइनिंग डेट इज 1st of August। ओके, सो लाइक एज वी नो दैट लाइक यू गॉट द अपडेट ऑन 23rd जुलाई एंड यू गॉट द ज्वाइनिंग ऑन 1st अगस्त। सो हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट टीसीएस एज यू ज्वाइन द कंपनी ऑलरेडी? सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट कंपनी। ओके, और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में जाना एक अलग ही मतलब अच्छा लग रहा था वहां जाके। यस, और वहां गए तो सब चीज बहुत अच्छा ही था। वहां का इन्वायरमेंट और वर्क लोकेशन जो भी था वो बहुत अच्छा था। सबसे पहले हम गए तो फिर हमसे भाई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगा गया और ज्वाइनिंग लेटर मांगा गया। ओके, उसके बाद फिर वही प्रोसेस सब चलते गया। तो फिर जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम था कुछ नॉर्मल ही डॉक्यूमेंट्स था, पूरा ये नहीं कि 10th 12th या वैसा कुछ मार्कशीट या कॉलेज का कोई भी मार्कशीट वैसा कुछ नहीं था। कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो भी ज्वाइन करेंगे तो उनको ऑलरेडी वो मेल आ जाएगा कि आपको कौन सा पेपर लेके जाना है ज्वाइनिंग के दिन। बस, और कुछ सेशन चला था, सब चीज बढ़िया ही था। एंड और मतलब ट्रेनिंग के बारे में सब चीज बात हुआ कि कब से क्या होगा नहीं होगा, वही सब नॉर्मल। ओके मींस इट इज रिलेटेड टू कंप्लीट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कि कैसे क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, ट्रेनिंग कैसे होगी या आपको कौन कौन से अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने। ओके, सो मींस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे वॉज अमेजिंग, राइट? हाँ भैया, बहुत अच्छा है था वहाँ पे। लंच वंच ब्रेकफास्ट सब चीज टीसीएस ही किया। और मेरा ज्वाइनिंग लोकेशन तो कोलकाता है यस, और मेरा इंटरव्यू भी हम यहीं पे दिए थे कोलकाता में। मेरा इंटरव्यू था 29 जून को ओके, और मेरा ऑफर लेटर आया था 15 जुलाई को और मेरा ये ज्वाइनिंग लेटर आया था 23 जुलाई को भैया। एंड 1st ऑफ अगस्त योर ज्वाइनिंग डेट, राइट? हाँ, और 1 अगस्त को भैया मेरा ज्वाइनिंग दे दिया। यस नवनीत, ओके। सो लाइक 23rd जुलाई को आपके पास अपडेट आया और 1st अगस्त को आपकी ज्वाइनिंग थी, सो देयर आर सम लेस डेज, ओके, ज्यादा दिन का टाइम नहीं था। सो हाउ यू प्रिपेयर द हाँ, डॉक्यूमेंट्स एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़े, बीजीसी कंप्लीट करा, कैसे हुआ ये प्रोसेस बताओ। भैया 23 जुलाई को शाम के टाइम में मुझे मेल आया तो हम उतना मतलब एक्टिव नहीं थे उस समय। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम जब चेक किए तो देखे कि पहले हमको सर्वे मेल एक आया हुआ था। उसके बाद फिर आधा घंटा बाद हमको फिर आया हुआ था क्या कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी आ गया है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, वहां से जाके तुम अपना एक्सेस कर लो। और फिर उसके अगले मेल में था क्या तुमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपना प्रिपेयर करना है। तो नॉर्मल जितना बीजीसी में लगता है जो भी डॉक्यूमेंट्स वो था। उसके अलावा मेरे पास वही मेडिकल नॉन क्रिमिनल और मेरा जैसे कि वो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो तो हिंदी में था तो उसको इंग्लिश में बोला था कि अगर नहीं है तो तुम एक कोर्ट से बनवा लो नोटरी से। तो और पासपोर्ट वगैरह सब चीज मतलब जितना भी एक पूरा डॉक्यूमेंट का सेट रहता है बीजीसी में वो हमको बोला था कि तुमको नेक्स्ट डे तक में वो प्रिपेयर करना है। तो वो तो एक तरह से हेक्टिक था मेरे लिए क्योंकि एक दिन अब शाम का 23 तारीख को शाम में हमको मिला और 24 को हमको वो करना था। तो लेकिन किसी भी तरह मतलब कि पूरे सबके हेल्प के वजह से मेरे दोस्त लोग हुए, मेरे मम्मी पापा हुए, तो सबके सब हमको हेल्प किए इस टाइम में। तो सब मिल के हम लोग
वो डॉक्यूमेंट्स जितना भी था सब चीज कर लिए। हाँ एंड हमारी बात भी हुई थी 23 जुलाई को हाँ रात में कि आप सबसे पहले मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, तो हम पहले पापा से बात किए, उसके बाद फिर दोस्त लोग से, उसके बाद फिर जब हमको कुछ उतना, हम पूरा कंफ्यूज हो गए थे उस समय कि क्या होगा कैसे होगा, तो हम सबसे पहले लोकेश भैया ने कॉल किए, पहले मेल किए उनको, तो फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, फिर लोकेश भी आए थे जो मुझसे उस दिन लगभग 1 घंटा तक बात हुआ। जी तो बिल्कुल भैया हमको सब चीज समझाए कि कैसे क्या तुमको करना है, कुछ भी मतलब कि उतना परेशान नहीं हो, अपने आप को तुम आराम से कूल करके जो भी होगा करो, कुछ भी मदद चाहिए तो हम हैं, हमको तुम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो कभी भी। तो यस उस दिन भी भैया हमको सुबह रात में भी हम बात किए, फिर सुबह में फिर भैया ही हमको सामने से मैसेज किए कि सब ठीक है, कुछ भी मदद चाहिए तो हमको बताना। तो मतलब हमारा हमेशा से ही यही मोटिव है कि कैंडिडेट्स की हेल्प हो, और मैं खुद हमेशा से ये चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स आगे बढ़े, अच्छी कंपनी ज्वाइन करें। और द प्रोसेस टाइम इज लाइक बहुत कम था प्रोसेस का टाइम, सो दैट्स वाई कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, तो हेक्टिक नहीं होना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो NSR कार्ड, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, इनको बनवाने के लिए आपको थोड़ा वो लगा होगा। NSR तो जनरेट हो जाता है। एनएसआर तो भैया हम पहले जिस दिन मेरा ऑफर लेटर आया था, हाँ तो उसके बाद यही था कि एनएसआर मतलब कि हम उसी दिन नेक्स्ट डे होके एनएसआर हम अप्लाई कर दिए थे, ओके और ये जो नॉन क्रिमिनल वाला था, मेडिकल था, और हम लोग में सर्विस एग्रीमेंट भी लगता है भैया, ओके हाँ तो फिर ये तीनों चीज के लिए तो मतलब बहुत कम टाइम था, तो लेकिन पापा थे और दोस्त लोग था मेरा, तो वो लोग सब मिल के ही ये 1 दिन में ही मेरा सब पेपर कंप्लीट हो गया, और हम भी थे वहां पे। तो ओके वही है कि क्या मतलब बीजीसी में क्या प्रोसेस है ना भैया इस बार, कि उसमें ना ओवरऑल जो भी जितना डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है वो आपको अपलोड मतलब कर सकते हैं, मतलब मेरा तो ज्वाइनिंग से पहले वो चीज नहीं था अपलोड, ठीक है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो आया 23 जुलाई को, तब तक हम बीजीसी कुछ किए भी नहीं थे, ओके आपको हम बताए भी थे भैया क्या कि मेरा वो पहला जो ऑप्शन था, ये पहला सेक्शन, उसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर वही उस समय तक ना ही मेरा बीजीसी कंप्लीट था जो मेरा आया था ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद ही हम नेक्स्ट डे मतलब 24 जुलाई को ही हम अपना बीजीसी कंप्लीट किए। बीजीसी में जितना डॉक्यूमेंट्स लगता है, एनएसआर कार्ड, नॉन क्रिमिनल, मेडिकल, उसके बाद जो मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये सब चीज इसमें था बीजीसी में, और वो जो क्या बोलते हैं सर्विस एग्रीमेंट, ये कहीं बोला नहीं गया था हम लोग को अपलोड करने के लिए, ये बस सिंपल वही था कि ज्वाइनिंग के दिन इसको लेके आना था। द सर्विस एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, सो आई एम हाँ तो रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज पासपोर्ट इज वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर ज्वाइनिंग द TCS, राइट नवनीत? हाँ भैया, मेरा पासपोर्ट हम अप्लाई किए नहीं थे, तो वही 23 तारीख को ही मतलब मेरा किस्मत बोलिए जो अच्छा इतना अच्छा मिल गया कि हमको नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट भी मिल गया, तो हम नेक्स्ट डे जाके ही सबसे पहले पासपोर्ट भी बनवा लिए, और पासपोर्ट बनवाए क्या मतलब कि वो अप्लाई कर दिए तो उसका जो स्लिप मिलता है तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप से नंबर, भी काम, हाँ वो स्लिप से भी भैया काम चल जाएगा आपको बीजीसी पे, ओके अगर वो आपका स्लिप है आपके पास तो आप वो भी अभी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे अच्छा चीज क्या है टीसीएस में कि अगर कोई भी आपको तो, मतलब कोई गलत पेपर भी अगर आप अपलोड कर दे रहे हैं तो टीसीएस आपको मौका देगा कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो रिमार्क सेक्शन में आपको लिख के कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है तो आप वो चेंज करके फिर से नया अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही बोलना है कि कोई भी जो भी कैंडिडेट ये सब चीज देख रहे हैं, अपना पेपर वर्क को आप रेडी रखिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि टीसीएस कब आपको दे देगा ये आप किसी को नहीं पता। अभी मेरा 1 अगस्त को था ज्वाइनिंग, तो हमको 23 तारीख को पता चल गया था, तो हम 1 दिन मेरे पास मौका मिला, तो हम सबके मदद से, चाहे वो पापा रहे, दोस्त लोग रहे, सजेशन के लिए लोकेश भैया थे जो हमको सब चीज में गाइड किए जितना पेपर वर्क था, तो इन सब का मदद से ही हम अपना जो भी है आज हम यहाँ पे हैं तो सब के वजह से ही है। इट्स ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, आपने मेहनत की है और आपने पॉजिटिविटी रखी,
कि हाँ मुझे TCS ज्वाइन करना है, और सो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। सो हाँ मैं वही आपसे बात था। हाय, थैंक यू नवनीत। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे इतना कम दिन थे, ठीक है, प्रोसेस पूरी चेंज हो चुकी है, दिस ईयर द प्रोसेस इज कम्प्लीटली चेंज, आप भी जानते हैं। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सप्लोर के कोर्सेज आपने स्टार्ट कर दिए हैं, उनकी तरफ से मेल आया या फिर उसके पहले ही ज्वाइनिंग आ गई? नहीं नहीं भैया, एक्सप्लोर का कोर्सेस उस दिन जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया ना, तो उससे पहले एक दिन बस नॉर्मल सा एक मेल आया था कि आप एक्सप्लोर पे जाके अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि आप लॉग इन उस पे कैसे करोगे। बस एक्सप्लोर के बारे में वो सबको नॉर्मल आ गया था मैसेज। उसके यस बाद से फिर हमको क्रेडेंशियल दिया गया कि आप कैसे उस पे लॉग इन कर सकते हैं। उस पे कोर्सेस सब था जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो अभी तक तो भैया हम नहीं किए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब वीकेंड है तो वीकेंड के बाद हम अपना स्टार्ट शुरू कर कर दो। देंगे, क्योंकि वो भी भैया बहुत जरूरी है। हाँ सो उन्होंने कुछ एक्सप्लोर के बारे में बताया आपको कि उससे इंसेंटिव मिलने वाले, या अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं नहीं भैया, इसके रिगार्डिंग तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। मीन्स अभी तक कोई एक्सप्लोर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस साल इंसेंटिव से कोई कनेक्शन नहीं है? हाँ अभी तक 2 दिन मेरा जो चला है इंडक्शन प्रोग्राम, 1 अगस्त को और 2 अगस्त को, तो इन दोनों दिन में तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है क्या कि क्या होगा नहीं होगा। बस अभी कुछ सेशन चल रहे हैं और उसके अलावा जो ट्रेनिंग के टाइम में क्या सब होगा नहीं होगा वो सब बात चल रहा है भैया। सो ये तो रही पूरी प्रोसेस की, इतना कम टाइम था, डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखो। सो द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट वाज ओवरऑल फीडबैक अबाउट आर चैनल, कि कैसे आपने प्रिपरेशन वीडियोस देखी, इंटरव्यू वीडियोस हमने पोस्ट की थी, और लास्ट तक हमने ज्वाइनिंग तक आपको सारी चीजें बताई, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैंडिडेट्स को क्या बताना चाहेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले क्या बात है ना कि आपका चैनल से बस TCS ही क्यों, मतलब जितना भी चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी रहे या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहे, जो भी हायरिंग निकलता है तो सबसे पहले मतलब कि हमको लगता है कि आप ही का चैनल से हमको, हम जब भी रजिस्टर किए थे NQT के लिए तो हम ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू ही वो हमको आया था नोटिफिकेशन कि वो फ्री NQT होने वाला है। तो डे फर्स्ट से लेके जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था तब तक भैया जो भी चैनल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब चीज आपके थ्रू ही हुआ। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सब जो हुआ होता है सब चीज हम वहीं से देख के गए थे, और एग्जैक्ट 100 का 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन 90% भैया एक्सपीरियंस पूरा मिल रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये कि जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था तो अगर सबसे ज्यादा अगर अभी तक मेरे को हमको गाइड किया था तो आप ही थे भैया, जो हर दिन 23 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो रहा है भैया, लगभग 10 दिन, 10 दिन का 10 दिन आप हमसे बात किए और हर चीज के बारे में गाइड किए कि कहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपको हम बताएं और आप उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन का रिजॉल्व करके हमको देंगे। तो ओवरऑल तो भैया मेरा क्या बोले, अभी जो भी मतलब अभी हम यहाँ पे हैं तो आपका बहुत इसमें बड़ा योगदान है भैया, तो ये इसके पूरी लिए आपकी हम मेहनत, आपको थैंक यू बोलते हैं भैया। आप मेरा यही मानना है कि सभी कैंडिडेट्स आगे जाएं, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो, और अपने फैमिली का जो मतलब होता है ना, कि फैमिली का नाम आगे बढ़ाएं और फैमिली को प्राउड फील करवाएं, अपने आप के लिए भी कुछ कर सकें और कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ कर सकें। आप आज वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सो इससे बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए, इतनी सारी तैयारी करी, उसके बाद जाके आज आपका फाइनल प्लेसमेंट हुआ, मुझे बहुत खुशी है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। एंड गाइज, मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा लाइफ में बड़ा सोचें और आगे बढ़ते रहें, और अपने आप पे विश्वास रखें कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। सो एक नवनीत बात और है भैया, जी, नवनीत हम लास्ट है तो हम बता देते हैं जितना भी कैंडिडेट्स है सबको कि हाँ जितना भी आपको पेपर वर्क है वो जितना जल्दी आप चाहे तो आप करवा सकते हैं। बस एक्सेप्ट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल, और ये दोनों चीज भैया क्या होता है ना कि TCS ना अभी आपको अपलोड करने के लिए नहीं देगा BGC पे, जब जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस समय उसके बाद ही वो चीज ना वहाँ पे लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे वो अपलोड करना है। तो कुछ कीजिए ना कीजिए, अपना पासपोर्ट वाला काम अभी आप करवा लीजिए ठीक है और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है
और नन क्रिमिनल वाला, वो सब चीज ना आप अपना ऐसा रिसोर्स बना के रखिए कि आपको 1-2 घंटा में भी वो मिल सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, जैसे मेरे साथ में हुआ था। लेकिन फिर भी भैया सबके मदद से, आपका हुआ, सबके मदद से हम कर लिए थे। और बिल्कुल एक चीज और है भैया, क्या कि मतलब आपका चैनल पे हम एक चीज देखे हैं कि मतलब लगभग जितना भी एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है या जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहता है, तो हम क्या मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, तो सब चैनल मतलब सब आप ही को फॉलो कर रहे हैं, और वहां से सब कोई ना कोई कंपनी में है। कुछ दोस्त मेरे अभी डेलॉयट में है, कुछ एक्सेंचर में है, कुछ अभी एक नया दोस्त है वो जेटा में हुआ है उसका, तो सब चीज आपके थ्रू आपका चैनल से हुआ है भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो आप सभी की मेहनत है और आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सभी कैंडिडेट्स की सपोर्ट की वजह से ये, और हम आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे कैंडिडेट्स के लिए। सो नवनीत, बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी। आप TCS थैंक ज्वाइन यू भैया। आपने कर लिया है, अब आगे ट्रेनिंग कीजिए और टाइम टू टाइम जैसे अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी तो भी उसके बारे में आगे बात करेंगे हम TCS की तरफ से, जरूर जब भी हमें कोई ऑफिशियल मेल आएगा। बिटवीन अगर कोई भी क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा कैंडिडेट्स को। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज फ्रेंड, ओके, आप मुझसे, नवनीत से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड विश यू बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग जर्नी। सो थैंक यू सो मच नवनीत अगेन फॉर शेयरिंग योर कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू भैया। थैंक यू नवनीत।